आरएलडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर स्थित आरएलडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, जिसकी वजह से आमजन काफ़ी परेशान हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है, 7 साल में लगभग 3 गुना कर्ज हो गया और ये आंकड़े बता रहे हैं, विश्व बैंक के या ये एम के आंकड़े हैं। तो 3 गुना कर्जदार इंडिया बन गया है और बड़ी खराब। अब उसमें लोन लेकर के उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सब्सिडी अनुदान दिया जा रहा था। 3,16,000 करोड़ अभी कंपनियों का माफ़ किया गया, 2,50,000 करोड़ ट्रामा सेंटर को अनुदान दिया गया। ऐसे ही विभिन्न मदों का कंपनियों को, अडानी अंबानी को लाभ, लोन लेकर लाभ दिया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि पूरी व्यवस्था खराब होती जा रही है और देश की सारी संपत्तियों को, जो लगभग 10,00,000 करोड़ का हिसाब है, सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और बेच करके खुर्दबुर्द किया जा रहा है। सरकार के घर में सुपुर आरक्षण खत्म हो रहा है और देश कंपनियों का धुना रहा और स्थाई गुलामी का काम हो रहा है। सब लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई, उन्हें पूरे देश को 350 साल गुलाम रखा। तो आज ये ईस्ट इंडिया कंपनी, आज ये कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो ये कितने लंबे समय तक गुलाम बनाने की साजिश है। और जब देश आज़ाद हुआ था, सरदार पटेल ने बैंकों का और सब चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी संपत्ति बनाई। आज उनकी आत्मा रोती होंगी कि जिन्होंने देश को खड़ा किया, उनके सामने उनकी मूर्ति का सहारा लेकर के वही लोग देश को बेच रहे हैं। तो जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, देशभक्ति का काम किया, तो उनकी आत्मा सबकी रोती होंगी कि एक ऐसी सरकार आई है जो देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है और देश की जनता भी सब समझ चुकी है। झूठ बोलने का काम करते, मैं भी भाजपा में लंबे समय रहा हूँ। भाजपा के लोग कहते थे हमें वो चीज़ अच्छी लगती थी कि FDI लागू नहीं करेंगे, आज FDI 100% लागू कर दी। सब अब कहते थे गेट लागू नहीं करेंगे, वो लागू कर दिया। आज बैंकों का निजीकरण, सबका निजीकरण कर रहा, जिस चीज़ को विरोध कर रहे थे वो सब उन्होंने लागू कर दिया और उन्होंने दर्शा दिया कि हम कथनी करने में उनकी मंत्र है। अर्थव्यवस्था पूरे देश की खराब है और पूरे उत्तर प्रदेश में तानाशाही का शासन चल रहा। जो अपनी बात कहता लोकतंत्र में, जो अपनी बात कहता तो उसको दबाने का पूरा प्रयास होता। मीडिया भी, सोशल मीडिया इस काम कर रही है, चैनल इस काम को कर नहीं सकते, सच्चाई दिखाने की हैसियत में है नहीं। जिस चैनल पर देखोगे झूठे आंकड़े पेश किए जाएंगे कि UP नंबर वन, लेकिन किस चीज़ में UP नंबर वन है, ये बड़े शर्म की बात है। और साथ साथ ऐसे कामों को कर रहे हैं जिससे कि फायदा ना हो। कई सारे ऐसे विकास के काम हैं जिन्हें वो केवल लोन लेके विश्व बैंक से उन्हें करा रहे हैं। आप, मैं कहता हूँ मैं विकास का विरोधी नहीं, लेकिन जो आवश्यक है वो किया जाए। मेरठ से प्रयाग नेशनल हाईवे बनाने का काम किया जा रहा है लोन लेकर के। यदि लखनऊ तक के हाईवे का इसका चौड़ीकरण कर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसमें लाखों करोड़ का घपला लाभ के काम के लिए सरकार काम कर रही है। जो उसी हाईवे से चौड़ीकरण से काम चल सकता है, दूसरे से जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोन लेकर सरकार इन कामों कर रही है, मैं समझता हूँ देश की अर्थव्यवस्था इस चीज़ से खराब हो रही है। केवल प्रोडक्शन के काम में ना करके गैर उत्पादक वे में सरकार लोन लेकर पैसा खर्च कर रही है, इससे देश की अर्थव्यवस्था धराम होती जा रही है। नहीं, नाकाम क्या, सरकार की सोची समझी साजिश है देश को गुलाम बनाने के लिए। जान पूछ करके विश्व बैंक से लोन लेकर के आज गल्ला खरीदने की बात, क्या गल्ले की बोरी खरीदने के लिए सरकार के पैसा में, घाटों के लिए पैसा नहीं है। वो योजनाबद्ध तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को धड़ाम करके खुद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये उनकी सोची समझी साजिश का तहत है। इसी के कारण महंगाई बना रहे हैं और गरीब पे, किसान पे, मध्यम वर्ग पे, व्यापारी पे पैसा ना रहे, जैसे हम कहें वैसे ही करते रहें। इस योजना के तहत वो काम कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था धड़ाम करना चाहते हैं। रोजगार को लेकर दावे किए थे, दावे नजर नहीं आ रहे। उसके साथ साथ जनता का पैसा हड़पने की पूरी तैयारी की जा रही है। चालान 5,000 की मोटरसाइकिल, 25,000 का चालान, इस तरह जो गरीब लोग काम कर रहे थे उसका पूरा वो किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उनकी योजना ये है कि जनता पर पैसा ना, रोजगार की बात तो क्या, BJP की नीति है कि केवल एक वर्ग रह जाए मजबूत, वही वाला 10% लोगों का, और शेष लोग उनकी गुलामी स्वीकार करें। इसी तरह से वो कंपनियों का बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसे करने के लिए महंगाई पूरी तरह से, तेल और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दी है और देशों में सस्ती हैं बढ़ा दी हैं, कारण के गरीब की जेब में पैसा ना रह जाए। और आमदनी दोगुनी की बात कर रहे हैं, आमदनी विश्व बैंक कह रहा है कि आमदनी आधी रह गई है यहाँ के किसान की, वो झूठ बोल का सहारा लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के उसे प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जनता पूरी समझ गई है और 2022 में धड़ाम कर देगी।